गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पहाड़ों में जो है धुंध लगी हुई है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो आज तो दिन भर ही बारिश ही रहेगी। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो आज मैंने सोचा लंच में क्या बनाऊँ, तो फिर मेरे पास करेले थे, तो मैंने सोचा चलो करेले की जो है मैं सब्जी बना लेती हूँ। सिंपल तरीके से इसको फ्राई करके एकदम इसको क्रिस्पी तरीके से मैं जो है आज करेले की सब्जी बनाऊँगी। तो इसमें मैं टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, इसको मैं सिंपल फ्राई करके बनाऊँगी। तो अभी मैंने करेले को काट लिया है और इसमें नमक डालकर इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि इससे जो है थोड़ा कड़वा हट भी जो है निकल जाए। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल को मैं अभी धोकर इसको भिगाने के लिए रख देती हूँ, ताकि जो है दाल जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पर मैं करेले को कर रही हूँ फ्राई। तो मैंने कढ़ाई में जो है तेल डाल दिया है सरसों का, और मेथी का तड़का देकर थोड़ी सी हल्दी डालकर जो है करेले को मैं सिंपल फ्राई करूँगी। तो इसको गोल्डन होने तक जो है मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। तो करेला का जो है आप अचार बनाओ या सब्जी, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो करेला जो है अगर हम इसको क्रिस्पी करके बनाएंगे, तो ये लंच में दाल और चावल के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अभी मैंने दाल कुकर में बॉईल करने के लिए रखा है, तो दाल उबालते वक्त जो इसमें झाग वगैरह निकलता है उसको मैं फेंक देती हूँ हमेशा। तो ये अपने आप ही जब दाल बॉईल होता है तो ये झाग जो है अपने आप ही ऊपर आ जाता है, तो इसको फेंक देना चाहिए। तो अब दाल में मैं डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और 3-4 कलियाँ लहसुन की, और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हींग। तो हींग से जो है ये दाल टेस्टी भी बनता है और जल्दी ही पक भी जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। तो खीरा को मैं कर रही हूँ अभी कद्दूकस। तो ये खीरा भी जो है काफ़ी नरम है। तो खीरे में मैंने मिलाया है राई को थोड़ा बारीक पीस लिया है दरदरा, और इसमें मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच के करीब जीरा पाउडर। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सूखे हुए पुदीना। तो इसको हाथ से तोड़कर ही मैं इसे डाल रही हूँ। तो इसमें मैं स्वाद के हिसाब से डाल रही हूँ नमक, और इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी दही। तो ये दही मैंने घर में ही बनाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा जम गया है दही। तो अभी ये नमक को जो है दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको थोड़ी देर के बाद इसमें मैं दूँगी तड़का, साबुत जीरे का तड़का। तो अब मेरा लंच भी बनकर तैयार है, फ्राई करेला और रायता, दाल और चावल।
तो अभी लंच करने के बाद उसके बाद मैंने सारा किचन का काम ख़त्म किया। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ खीर। तो दूध को जो है मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है अभी, तो इसको जो है मैं अभी दिन भर आराम से बनाती रहूँगी, क्योंकि खीर बनाने में जो है टाइम लगता है काफ़ी। तो मैंने सोचा दोपहर को ही मैं बनाऊंगी खीर, जो है दोपहर को मैं आराम से बनाती रहूँगी, क्योंकि इसको अभी बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने लिया है बड़ी इलायची और छोटी इलायची, तो इसको मैं बारीक कूट रही हूँ। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है बड़ी इलायची और छोटी इलायची। तो इसको जो है थोड़ी देर बॉयल करने के बाद मैं ये इलायची के छिलके वगैरह मैं निकाल दूँगी। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी काट लिया हुआ है और नारियल को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अभी जब खीर जो है अच्छे से पक जाए उसके बाद ही मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो अभी मैं इसको पकने देती हूँ। अभी मैंने चावल भी इसमें डाल दिया है, तो अभी चावल भी जो है थोड़ा पक गया है। तो अभी आराम से जो है मैं इसको अभी बनाऊँगी। तो अभी मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें चीनी भी डाल दिया है। तो अब खीर बनकर तैयार है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूंगी। तो मैंने ये जो नारियल रखा हुआ था कद्दूकस करके, अब वो डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा? और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।